उदयपुर में जल वितरण का इतिहास हम आज यहां पर जानेंगे। 1954 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर उदयपुर में जल वितरण के योजना का शिलान्यास किया। ये बोर्ड हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जल वितरण योजना उदयपुर, यह शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ और 31 मार्च 1954 को हुआ और 4 साल में ये प्लांट पूरा हुआ और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तब से उदयपुर में ये पेयजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से यहाँ से गुलाबाग से चल रही है। उसके बाद में धीरे धीरे शहर का विस्तार होता गया और अलग अलग खंडों में इसे विभाजित कर दिया गया। हमारे साथ में प्रकाश जी हैं माथुर, इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में क्या स्थिति चल रही है और क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये जो जलदाय योजना है, अभी वर्तमान समय में भारत में महामारी का जो दौर चल रहा है, इधर तो जनता कोरोना महामारी से परेशान है, इधर अगर जल समय पे उनको उपलब्ध नहीं हो तो जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। इसलिए हम हमारी जान की परवाह नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जनता को जल सप्लाई सुचारू रूप से मिले और जनता को टाइम पे। हमारे यहाँ 7 जोन है, ये गुलाबबाग है जो प्रथम है, अभी आपको जैसे आपने बताया तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसको लोकार्पण किया गया जनता को, तब से ये चल रहा है और कर्मचारी 30% अभी ड्यूटी पे आ रहे हैं, जो बाहर रहने वाले वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण यातायात वगैरह बंद है, मगर जो अल्प कर्मचारी है वो कम होते हुए भी अपने मन से खाना खाया नहीं खाया उसकी कोई परवाह नहीं करते, मगर उनके दिमाग में ये है कि जनता को इधर तो ये परेशानी, इधर जनता को पानी की समस्या हो जाए तो ये नहीं हो, इसलिए वो तन मन से अपना कार्य कर रहे हैं और तन मन से कार्य कर रहे हैं कर्मचारी। जैसा कि माथुर साहब बता रहे हैं कि 100% कर्मचारी होते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से 30% कर्मचारी ही उपस्थित हैं और वो भी 2400 घंटा सेवा के माध्यम से उदयपुर के जो आम जन हैं उनको निर्बाध रूप से जल की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। हम आपको दूसरे विभाग में भी लिए चलेंगे, एक बार जलदाय विभाग को पूरे उदयपुर की आम जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि ये कर्मचारी एक योद्धा की तरह कार्य कर रहे हैं। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। जलदाय विभाग के सभी कर्मचारी 2400 घंटे तत्पर रहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सभी ऋतुओं में अपनी सेवाएं देते हैं। कोरोना की महामारी में ये कर्मचारी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और शहर के आम जन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में प्रतिबद्ध हैं। क्या कहना है उदयपुर जोन के अधिकारी नक्षत्र सिंह जी चारण का। उदयपुर के समस्त नागरिकों से मैं पीएचडी परिवार की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारे समस्त कर्मचारी एवं इंजीनियर्स रात दिन पूरी तत्परता एवं लगन के साथ पेयजल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं और इस कोरोना लॉकडाउन की अवधि में एवं उसके पश्चात आने वाली गर्मी में भी किसी तरह की कोई भी पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं पर भी लीकेज अथवा गंदे पानी की शिकायत आती है तो मेरा नागरिकों से निवेदन रहेगा कि वे तुरंत विभाग को संबंधित अधिकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि हम तत्परता से उस पर कार्रवाई कर सकें और सभी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू। आज़ादी से पूर्व राजा महाराजा के समय में
पेयजल की आपूर्ति शहर में होती तो थी, लेकिन एक मोहल्ले या चार पांच मोहल्लों को मिलाकर एक सार्वजनिक नल हुआ करता था। उसके बाद घर घर तक जो नल पहुँचे वो सरकार की व्यवस्था से पहुँचे। आप देख रहे हैं ये नज़ारा जो आम जन के लिए प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। हर कर्मचारी यहाँ पर संकल्पित दिख रहा है कि कहीं कोई चूक न हो जाए, कहीं कोई लापरवाही न हो जाए, और अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। आम जन को इसका पेयजल की आपूर्ति बहुत ही सरल है, पेयजल को प्राप्त करना है, लेकिन इसके पीछे कितनी कवायद होती हैं और कितनी मेहनत होती है। एक पेयजल के रूप में पानी को फिल्टर करने के लिए पिछोला से रा वाटर आ रहा है, साथ ही गुलाबाग फिल्टर प्लांट पर पाइपों को दोबारा जाकर बता रहे हैं कि पेयजल ये जो है तरह से पिछोलों का पानी जो है होकर फिल्टरेशन हो रहा है तक पहुँचता है। प्रक्रियाओं की ये पानी फॉल कोलेटर में आया है, फॉल कोलेटर में आने के बाद होता है ये पानी जो इसको बोलते हैं क्लेरिफायर, क्लेरिफायर के अंदर आता है फिल्टर, एक बहुत बड़ा फैन इसके अंदर लगा हुआ होता है प्लांट में, और एलम ब्लीचिंग के फिल्टर होने क्लोरीन इसमें मिक्सिंग होती है, आम जन को क्लेरिफायर में से होता हुआ पानी पी जाती है। अब जो है शहर में एक ही अंदर इसके अंदर बेड के अंदर पिछला सैंड दूध केबल्स और नीचे जो है पाइप लगे हुए हैं जिसके अंदर पानी छन के जनता तक पहुंचाया जाता है। आबादी बढ़ती गई और विभिन्न विभिन्न खंडों में शहर विभाजित हो गया। वर्तमान में 7 से 8 जो खंड हैं उनके माध्यम से शहर में आपूर्ति होती है। कोरोना महामारी के तहत लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और बचाव के सारे उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहे और अपने घरों में रहे। सभी को सारी आपूर्ति उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जी जान से लगी हुई है 2400 घंटे। हम आज आए हैं पीएचडी विभाग में, यहाँ पर दूध तलाई, उदयपुर के दूध तलाई प्लांट पर आए हैं और हमारे साथ में मैडम है। आप बताएं कि किस तरह से ये आप इस दौरान क्या विशेष रूप से ख्याल रख रहे हैं, अपने कर्मचारियों को किस तरह से वो कर रहे हैं जी बताएं। फिलहाल तो पंप हाउस के सारे जो कर्मचारी आ रहे हैं अपने अपने जो भी सदस्यता है उसको नज़र रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क लगा के और डिस्टेंस बना हुए सभी, ताकि टाइम टू सभी आ रहे हैं और
समय समय पे जो भी हमारे फिल्टर प्लांट के जो पानी के जो क्वालिटी है हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी सैंपलिंग करवा रहे हैं समय समय पर। पूरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि जो पानी आम लोगों तक जा रहा है पेयजल के रूप में वो एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध जाए। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।